स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हमारे एक बहुत ही खास फ्रेंड का पोर्टफोलियो। तो चलिए चलते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इस पोर्टफोलियो में हमारा पहला स्टॉक है इन्फो एज। तो सबसे पहले हम इसी को रिव्यू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, अभी इन्फो एज के रिटर्न्स नेगेटिव में चल रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइम से नेगेटिव के अंदर है ये स्टॉक। एंड ऑल टाइम के अगर हम मैक्स रिटर्न्स देखते हैं तो इसने ऑलमोस्ट 28 गुना तक अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर दिया है। 5 ईयर्स में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 4 गुने से ज़्यादा इसने इन्वेस्टेड मनी को कर दिया है। अभी पिछले 1 साल से नेगेटिव चल रहा है और ऑब्वियसली 1 मंथ के टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है, 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी पॉजिटिव है और 1 डे के टाइम फ्रेम में नेगेटिव है। देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इंट्रेंसिक वैल्यू का डेटा है इनसफिशियंट। रिटर्न्स इसने FD से ऑब्वियसली बेटर दिए हैं। डिविडेंड ये स्टॉक अच्छा ऑफर नहीं करता है। एंड एंट्री पॉइंट इसके अंदर अच्छा है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, रेड फ्लैक्स इसके अंदर नहीं है। देख लेते हैं इसके की मैट्रिक्स। की मैट्रिक्स के हिसाब से इसका पी रेशो अभी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। मींस ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है अगर इसमें हम अभी इन्वेस्ट करते हैं इस स्टेज के ऊपर। तो सेक्टर पी का और भी बुरा हाल है, वो है -275.92। एंड सेक्टर डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो वो है 0.38% ओनली। फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के हिसाब से 50% ऑफ एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। तो अभी के अगर कंडीशन से देखा जाए तो ये बने रह सकते हैं इसके अंदर। इन्फो एज इंडिया एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इनको लॉस में तो कम से कम इसको नहीं निकालना चाहिए। बीच में ज़रूर इसके अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई थी, बट ये इसमें बने रह सकते हैं और इसको इनको कंटिन्यू करना चाहिए। चलते हैं अगले स्टॉक के ऊपर जो कि है कैम्स। देख सकते हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है और फाइनेंशियल्स में डील करती है, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में। स्मॉल कैप कंपनी है, मॉडरेट रिस्क है, इसी से पता चलता है कि ये क्वालिटी वाइज कितनी अच्छी कंपनी होगी। और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की अगर बात करें तो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड के मामले में ये राइट बॉक्सेस नहीं टिक कर रही है, बाकी 3 पैरामीटर्स पे खरी उतर रही है कंपनी। रिटर्न्स इसने अच्छे दिए हैं, एंट्री पॉइंट अच्छा है, रेड फ्लैग्स इसके अंदर नहीं है। एंड अगर टाइम फ्रेम्स के अंदर रिटर्न्स देख लेते हैं तो 1 डे का नेगेटिव, 1 वीक का पॉजिटिव, 1 मंथ का भी पॉजिटिव, 1 ईयर का नेगेटिव, 5 ईयर्स में ठीक ठाक हैं रिटर्न्स 74.30%, और मैक्स भी उतने ही हैं। क्योंकि इस कंपनी को अभी मार्केट में आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में वो अपना मैक्सिमम टाइम फ्रेम दिखा रहा है जो कि है 2020 से ऑलमोस्ट। तो कह सकते हैं उतनी बुरी कंपनी नहीं है और आगे ये अच्छा कर सकती है अगर इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से देखा जाए। तो एक बार की मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। की मैट्रिक्स में पी रेशो हायर साइड पर दिखाता हुआ, मीन्स अभी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी नहीं है कंपनी, लेकिन अगर ये अब इसके अंदर एंट्री ले चुके हैं तो ये इसमें बने रह सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई खतरा ऐसा समझ में आ नहीं रहा है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। 80% ऑफ एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक आपके पास होना चाहिए। चलते हैं अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक हो जाएगा वो हो जाएगा IRFC या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। जैसे कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 5 स्टार इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बनाता है। क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है इसीलिए डिविडेंड रिटर्न्स में इनसफिशियंट डेटा दिखा रहा है, बाकी ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा ही देती है अपने प्राइस के हिसाब से। और आप लोग देख सकते हैं 4 बॉक्सेस राइट टिक कर रहा है 5 में से। की मैट्रिक्स की अगर बात करें तो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे फिलहाल ये कंपनी इन्वेस्ट अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है। सेक्टर पी के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा पी रेशो, 6.57% का डिविडेंड यील्ड है जो कि बहुत अच्छा है और सेक्टर से तो काफ़ी ज़्यादा। 100% ऑफ एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक आपके पास ज़रूर से होना चाहिए। अगर हम टाइम फ्रेम्स के अंदर रिटर्न्स की बात करें तो ज़्यादातर नेगेटिव ही होंगे क्योंकि ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा अभी रिटर्न्स के मामले में ये अच्छा कर नहीं पाई है। फिलहाल 2021 में ही इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी, रेलवे की कंपनी है।
तो PSU है, अच्छी उम्मीद की जा सकती है आगे के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो कि है एल्काइल एमीन्स। देख सकते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के हिसाब से 50% ऑफ एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। पी रेशो की अगर बात करें तो काफ़ी हायर साइड पे ट्रेड हो रहा है ये अभी, सेक्टर पी काफ़ी कम कंपैरेटिवली, डिविडेंड डील्ड भी इसका काफ़ी कम और सेक्टर डिविडेंड डील्ड इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा, तो उस हिसाब से फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से देखा जाए तो 5 में से राइट टिक करता है ये 3 बॉक्सेस को, और डिविडेंड अच्छे नहीं देता ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर मिल रहा है ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं पी रेशो के माध्यम से। रिटर्न्स अच्छे देता है, एंट्री पॉइंट अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी ओवरबॉट जोन में नहीं चल रहा है और रेड फ्लैग्स इसके अंदर नहीं है, मींस ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स में ये बहुत ही कमाल का स्टॉक है, वन डे के टाइम फ्रेम में 2.5% से ज़्यादा ऑलमोस्ट 3.25% के रिटर्न्स, वन वीक में ऑलमोस्ट 8%, वन मंथ में 18% से ज़्यादा और वन ईयर में नेगेटिव ऑलमोस्ट 26% के, 5 ईयर्स में 19 गुने से ज़्यादा के रिटर्न्स, और अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो 20 गुने से ज़्यादा हो गई होगी जिसने जितना भी इन्वेस्ट करके रखा होगा, और मैक्स की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट इसने 289 गुने से ज़्यादा कर दिया है पैसे को, तो बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर अब तक ये साबित होता हुआ। और इनके पास जिस हिसाब से क्वांटिटी है और ये इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो इसमें बने रह सकते हैं, इतना कुछ दिक्कत इसमें समझ नहीं आ रही है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो कि है इंद्रप्रस्था गैस। 73% ऑफ एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। पी रेशो के हिसाब से देखा जाए काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड हो रहा है फिलहाल, सेक्टर पी काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली, डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो 1.57% और सेक्टर डिविडेंड यील्ड उसके कंपैरिजन में कम, मीन्स ये अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है कंपैरेटिवली अपने सेक्टर के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की अगर बात करें तो इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर ये मिल रहा है, रिटर्न्स इसने FD से बेटर दिए हैं, डिविडेंड ये अच्छा ऑफर नहीं करता है कंपैरेटिवली टू अदर कंपनीज, सेक्टर के हिसाब से ये अच्छे देता है डिविडेंड जो कि हमने अभी देखा कंपैरेटिवली जब हमने डिविडेंड यील्ड्स देखी, और एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है और रेड फ्लैग्स इसके अंदर नहीं है, मीन्स ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। और देख लेते हैं टाइम फ्रेम्स के अंदर अलग अलग में इसके रिटर्न्स, वन डे में पॉजिटिव, वन वीक में नेगेटिव ऑलमोस्ट 1%, वन मंथ में भी नेगेटिव 2.64%, वन ईयर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ऑलमोस्ट 36%, 5 ईयर्स में पॉजिटिव 49% के ऑलमोस्ट अप्रॉक्स, एंड मैक्स अगर देखा जाए तो इसने 13 गुने से ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ये एक मल्टीबैगर साबित होता हुआ अपनी कैटेगरी में, ये इसमें बने रह सकते हैं, फंडामेंटली कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है फिलहाल। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो कि होगा SBI कार्ड्स। देख सकते हैं 92% एनालिस्ट मानते हैं ये स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, और अगर बात की जाए की मैट्रिक्स की तो पी रेशो के हिसाब से काफ़ी महंगे पे ये ट्रेड होता हुआ अभी, सेक्टर पी की बात करी जाए तो वो है 20.60% ओनली, डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो वो है 0.27%, सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो वो है 0.83%, मींस डिविडेंड कोई भी इतना अच्छा नहीं देता है, ना ये स्टॉक देता है ना इसका पूरा सेक्टर देता है। चलते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की ओर, तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से वही बात निकल के आ रही है, इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर इसकी प्राइस है और रिटर्न्स ये FD से अच्छे ही देता है, डिविडेंड ये अच्छे नहीं देता है, एंड एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है और रेड फ्लैग्स इसके अंदर नहीं है। चलते हैं स्टॉक के ऊपर, तो वन डे में पॉजिटिव है, वन वीक के टाइम फ्रेम में भी पॉजिटिव है, वन मंथ के टाइम फ्रेम में भी पॉजिटिव है, वन ईयर के टाइम फ्रेम में नेगेटिव है, 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है, और मैक्स की अगर बात की जाए तो वही 5 ईयर्स वाला ही दिखाएगा क्योंकि ये एक नई लिस्टिंग है, इसको अभी 5 साल पूरे हुए नहीं है लिस्ट हुए मार्केट में, तो इसीलिए ये इतने कम रिटर्न्स दिखा रहा है। बाकी फंडामेंटली कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, SBI ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है,
तो इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है अगर लॉन्ग टर्म का विजन किसी का भी है और उनके पैसे इस कंपनी के अंदर किसी और प्राइस के ऊपर फंसे हुए हैं और इस प्राइस से उनका प्राइस ऊपर है तो वो वेट कर सकते हैं, टारगेट्स अच्छे अचीव होंगे लॉन्ग टर्म में। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 16% एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो पी रेशो में बहुत ही हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है अपनी प्राइस के कंपैरिजन में, और सेक्टर पी की अगर बात की जाए तो सेक्टर पी नेगेटिव चल रहा है। डिविडेंड यील्ड, क्योंकि ये मोनोपोली स्टॉक है, अपनी तरह का इकलौता स्टॉक है, इसलिए भी सेक्टर पी कुछ खास नहीं दिखा रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो डिविडेंड अच्छे ऑफर्स नहीं करता होगा, इसलिए कुछ भी नहीं है इसमें। सेक्टर डिविडेंड यील्ड 0.38% ही है, और चूंकि ये सेक्टर का मोनोपोली स्टॉक है तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कोई स्टॉक्स होंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ये है, रिटर्न्स ये एफडी से बेटर दे चुका है टाइम एंड अगेन, अपने आप को साबित करता रहा है क्योंकि एक बड़ा मल्टीबैगर है। पीएसयू ज़रूर है लेकिन मल्टीबैगर भी है। डिविडेंड रिटर्न्स ये अच्छे नहीं देता है। एंट्री पॉइंट अच्छा हो सकता है क्योंकि ओवरबॉट जोन में नहीं है, सिर्फ इसी हिसाब से अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया होता है तो, अदरवाइज इतने महंगे वैल्यूएशन पे एंट्री करना भी ठीक तो नहीं होगा। और रेड फ्लैग्स इसके अंदर नहीं है, किसी भी प्रमोटर्स की होल्डिंग्स प्लेज नहीं है ज़्यादा। बात की जाए स्टॉक की तो स्टॉक तो पीएसयू है ही, आईआरसीटीसी, एंड देखा जाए तो टाइम फ्रेम्स के अंदर लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छे ही रिटर्न्स दिए होंगे, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर शायद नहीं हो सकता है कि उतने अच्छे दिए हों, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। वन ईयर में भी पॉजिटिव फॉर्चुनेटली, एंड फाइव ईयर्स में तो इसने कमाल ही कर दिया है, ऑलमोस्ट 3.5 गुना से ज़्यादा पैसा को कर दिया है अपने अंदर इन्वेस्टेड को, और मैक्स रिटर्न्स भी वही हैं क्योंकि अक्टूबर 2019 से ही ये है। तो देख सकते हैं आप लोग कि कंपनी तो अच्छी है और जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर इन्होंने लिया है वो भी ठीक ही है, अगर ये चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर भी, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है और अपने तरह का अकेला मोनोपोली स्टॉक है और पीएसयू स्टॉक है, और इसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ये हमेशा ही अच्छे प्रॉफिट्स बनाता रहेगा क्योंकि अपनी तरह की इकलौती कंपनी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो कि है यस बैंक। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं रीसेंट के घटनाक्रम के हिसाब से अगर बात की जाए तो रीसेंट के आप तो उसके लिए हालांकि काफ़ी टाइम ही हो गया है, तो 0% ऑफ एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। पी रेशो की बात करें तो अभी भी वैल्यूएशन हायर साइड पे दिखा रहा है, डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, सेक्टर पी के कंपैरिजन में पी रेशो काफ़ी ज़्यादा मीन्स वैल्यूएशन इसका ज़्यादा, और सेक्टर डिविडेंड यील्ड 0.83। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की ओर चलते हैं तो सिर्फ 2 बॉक्सेस ही राइट टिक करता है। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ओवरबॉट जोन में नहीं है और रेड फ्लैग्स इसके अंदर नहीं है, अब तो कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत ठीक ठीक स्टॉक है। अगर ये स्टॉक कुछ दिन मेरे पहले आया होता मेरे पास तो मैं बिल्कुल इनको कह देता कि आप इससे निकल जाएं। बट येस बैंक में अभी रीसेंट में जो सुधार हो रहे हैं और ऐसी इनकी कोई हार्ड एंड फास्ट नीड नहीं है तो मैं इनको सजेस्ट कर सकता हूं कि इसके अंदर बने रह सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं लगातार रीसेंटली अपर सर्किट्स लग रहे हैं। पर अगर कुछ दिन पहले जब इसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहे थे ना मैनेजमेंट के लेवल से ना किसी और लेवल से और ना सरकार इसके रेस्क्यू के लिए आगे आई थी तो मैं तब कह देता कि येस बैंक नहीं लेना चाहिए और कोई अगर उसमें है भी तो उसमें से आप एग्जिट कर जाएं। लेकिन अभी जब इसमें धीरे धीरे करके सुधार हो रहे हैं, इनके रिजल्ट्स सुधर रहे हैं, इनके एनपीएस भी अलग किए जा रहे हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा स्टॉक बनने की राह पर चल निकला है और आगे इससे हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये येस बैंक में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर यही बात कुछ टाइम पहले हुई होती तो मैं बिल्कुल इनको येस बैंक से निकलने के लिए कह देता, एग्जिट मारने के लिए कह देता। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है एफएल इंडिया। 100% ऑफ एनालिस्ट मानते हैं ये स्टॉक आपके पास जरूर से होना चाहिए। की मैट्रिक्स की अगर बात करें तो पी रेशो के हिसाब से काफ़ी हाई साइड पे ये ट्रेड हो रहा है अभी। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है। सेक्टर पी की बात की जाए तो वो नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा,
और सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.38% ओनली। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की अगर बात की जाए तो ये 5 में से 3 बॉक्सेस को राइट टिक करता है। जैसा कि हमने देखा काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर इसकी कीमत है। रिटर्न्स एफडी से बेटर देता है, डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे नहीं देता है जो कि हम देख ही चुके हैं, और एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ओवरबॉट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग्स इसके अंदर नहीं है क्योंकि इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग्स प्लेज नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसके अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अंदर रिटर्न्स भी। 1 डे पॉजिटिव, 1 वीक भी पॉजिटिव, 1 मंथ भी पॉजिटिव और 1 ईयर भी पॉजिटिव। इतने नेगेटिव मार्केट के बावजूद ये अच्छी चीज़ है। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम की बात करें तो इसने अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं, 6 गुने से ज़्यादा पैसे को कर दिया है। और मैक्स टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो भी यही हाल है क्योंकि इसकी लिस्टिंग ज़्यादा पुरानी नहीं है और 5 ईयर्स अभी इसको लिस्ट हुए भी नहीं हुए हैं। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, चुकी है अडानी पावर। अडानी पावर की अगर बात करें तो आप देख ही सकते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स का डेटा अनअवेलेबल है, और की मेट्रिक्स की अगर बात करें तो पी रेशो आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे दिखा रहा है, 26.67%। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं। सेक्टर पी की बात करें 28.49। सेक्टर डिविडेंड यील्ड 2.46%। इसके कंपैरिजन में इसका डिविडेंड यील्ड कुछ भी ना होना एक कंसर्न का पॉइंट हो सकता है। चलते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में इसने स्कोर किए हैं 5 में से 0 स्टार और हर एक पॉइंट इसका रेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी प्राइस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, इसने एफडी से बेटर रिटर्न्स नहीं दिए हैं, ये डिविडेंड अच्छे नहीं देता है, एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में भी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ अडानी जी के नाम के कारण आई गेस, क्योंकि क्वालिटी तो इस स्टॉक में कुछ भी वैसी नहीं है फिलहाल के हिसाब से अगर देखें इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से तो कम से कम। और रेड फ्लैग्स इसके अंदर फाउंड हुए हैं क्योंकि ये ESM लिस्ट में भी है। और अब बात करते हैं रिटर्न्स की, जो कि अच्छे ही होंगे ऑब्वियसली क्योंकि ये अडानी जी का शेयर है। 1 डे पॉजिटिव, 1 वीक भी पॉजिटिव, 1 मंथ भी पॉजिटिव, 1 ईयर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मल्टीबैगर। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में आप देखें तो 10 गुने से ज़्यादा ऑलमोस्ट इसने पैसे को कर दिया है, और मैक्स अगर देखें तो काफ़ी टाइम कंसोलिडेटेड फेज में रहा है और फिर एकदम से ये रॉकेट बना है 2009 अगस्त के बाद आप देख सकते हैं। तो इस तरह की इसकी कहानी है, बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है और इस पे डेट्स तो हैं ही अच्छे खासे। अगर कोई भी इसमें बना रहना चाहता है तो अपने ही रिस्क पे बना रहे क्योंकि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ऐसे फंडामेंटल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। मैं किसी को भी अभी इसको बाय करने का सजेशन नहीं दूंगा, और मेरे जो ये इन्वेस्टर हैं जिनका मैं पोर्टफोलियो देख रहा हूँ इनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके इससे एग्जिट कर लें जैसे ही आपको ये मौका दे। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है ट्राइडेंट। 100% ऑफ एनालिस्ट मानते हैं कि ये स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। पी रेशो के हिसाब से देखा जाए ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है, अभी परचेस किया जा सकता है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात की जाए तो डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है सेक्टर डिविडेंड यील्ड से, जो कि दूसरा अच्छा साइन मींस कंपनी प्रॉफिट्स न सिर्फ बनाती है बल्कि अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती भी है। चलते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की अगर बात की जाए तो 4 में 4 बॉक्सेस ये राइट टिक करता है 5 में से आउट ऑफ 5। इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा ही इनसफिशियंट है, बाकी सारे बॉक्सेस ये राइट टिक कर रहा है। रिटर्न्स अच्छे देता है, डिविडेंड अच्छे देता है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, रेड फ्लैग्स इसके अंदर नहीं है, और क्या चाहिए आपको एक इतने छोटे लेवल की कंपनी से। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं और अपनी बारी का वेट कर सकते हैं, और बल्कि इसमें लंबा खेलना चाहें तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। देख लेते हैं रिटर्न्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अंदर। 1 डे में पॉजिटिव, 1 वीक में भी पॉजिटिव, 1 मंथ में भी पॉजिटिव, 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे, 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे, एंड मैक्स अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, 116 गुने से ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को इसने कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक मल्टीबैगर कंपनी है और आगे भी ऐसी बनी रहेगी, अगर ये चाहें तो इसमें लंबे बने रह सकते हैं अगर इनका रिस्क एपेटाइट और इनका जो
नीड्स एंड डिमांड्स हैं उसको ये फुलफिल करता है, तो ये डेफिनेटली इसके अंदर बने रह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पोर्टफोलियो एनालिसिस। अगर आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं DM करके, या कमेंट भी कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, जिससे मैं आपको कनेक्ट करके आपका पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए ले पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल इन्वेस्टर पंडित। थैंक यू सो मच।